नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घर पे पीसीबी को पूरे प्रोफेशनल तरीके से प्रिंट कैसे किया जाए। तो दोस्तों, पहले आप पीसीबी शीट ले लें, उसको पूरी तरीके से ऊपर से क्लीन करना है। दोस्तों, क्लीनिंग के लिए आप रेगमार ले सकते हैं, जो बिल्कुल ब्रीक वाला होता है। अगर रेगमार नहीं भी है तो बर्तन साफ करने वाला जो मेटल का ब्रश आता है, उससे भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको एक पीसीबी का प्रिंट चाहिए होगा दोस्तों, और वो भी ध्यान रहे कि लेज़र जेट प्रिंटर से ही लिया हुआ होना चाहिए दोस्तों। वो इंक जेट वाला नहीं चलेगा। इंक जेट प्रिंटर से जो प्रिंट निकलता है वो पीसीबी के ऊपर जो है नहीं छपता है। और पेपर भी जो है दोस्तों, वो भी ग्लॉसी लेना है आपको। आपको वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि लेज़र जेट प्रिंटर से ही वो प्रिंट लें। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से प्रिंट जो है वो इसके ऊपर उल्टा रखना है, प्रिंट वाली साइड पीसीबी के ऊपर। और चाहे तो आप दोनों साइड से टेप लगा सकते हैं। अगर आप टेप लगाएंगे दोस्तों, तो इसके ऊपर एक और शीट रख लें, ताकि जो आयरन है वो उससे ना चिपके। मैं तो वैसे विदाउट टेप ही इसे जो है आयरन करूँगा। और ध्यान में रहे कि आयरन जो है वो मैक्स पे चलना चाहिए, मैक्स टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से जो है प्रिंट आपका हो पाएगा। तो दोस्तों, आयरन को, अगर आपकी आयरन जो है वो इसको कवर पूरा कर रही है आगे पीछे होने से, तो आप इसे 15 मिनट तक ऐसे आयरन करें। जैसे कि मेरी शीट बहुत बड़ी थी तो मैंने इसे ज़्यादा टाइम दिया है, लेकिन आप इसे 15 मिनट ही दें। जैसे कि ये आधा ही कवर कर रही थी, तो मैंने इसे 20-22 मिनट जो है वो चलाया है। तो दोस्तों, इसे प्रॉपर 15 मिनट आयरन होने के बाद इसे आपको गर्म पानी में डुबोना है, पूरे तरीके से जो है भिगो देना है और उस पानी में रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए उस पानी में आप उसे रहने दें। जब आपका जो शीट है दोस्तों वो ऊपर से हाथ से निकलने लगे, तो आपको उसे धीरे धीरे हाथ से निकाल देना है। तो नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट जो है वो रहेगा, ऊपर से ये जो कागज़ है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसे कागज़ को बिल्कुल ऊपर से जो है निकाल लेना है। मैं ये आपको थोड़ा जल्दबाजी में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी तरीके से ही इसे साफ़ करना है। साफ़ होने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है फेरिक क्लोराइड। ये आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा दोस्तों, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे तो ये वहाँ से जाकर भी आप जो इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टोर है तो वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको पानी उतना लें बर्तन में। बर्तन ध्यान रहे प्लास्टिक का होना चाहिए, जिसमें आप पीसीबी शीट को रखेंगे। उस बर्तन में पानी, अगर आपने, जैसे कि मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है, तो मैंने उसमें 80 ग्राम, 70-80 ग्राम के करीबन इसे एसिड को डाला है। अगर आप एसिड कम भी डालेंगे तो थोड़े ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन आपका जो है वो हो जाएगा काम, आपका प्रिंट जो है हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा एसिड डाल दिया तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर थोड़ा कम है तो थोड़ी 5-7 मिनट ज़्यादा लेगा, और कुछ नहीं। तो कुछ इस तरीके से इसे हिलाते रहना है दोस्तों पीसीबी को डालने के बाद। तो जैसे कि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से जो है साइड से प्रॉपर जो है प्रिंट वाली जगह ही बचेगी, बाकी सारी जगह से जो है आपकी कॉपर की शीट उतर जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद आपको एक
इसे प्रॉपर जो है साफ़ पानी से साफ़ कर लेना है। वैसे मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको इस एसिड को टच ना ही करे तो अच्छा है। ग्लव्स पहने और इसे प्रॉपर क्लीन कर लें दोस्तों पानी के साथ। क्लीन होने के बाद आप इसे ऊपर से फिर से आपको क्लीन करें, चाहे तो वो बर्तन साफ़ करने वाले ब्रश से करें या फिर जो बिल्कुल बारीक रेगमा रहता है उससे कर लें, जिससे कि ये ऊपर का जो ब्लैक प्रिंट है वो निकल जाएगा और आपके पास प्रॉपर जो शीट है वो बच जाएगी। तो जैसे कि ये आप सैंपल देख भी रहे हैं, इसके ऊपर हमारे चैनल का नेम जो है वो भी मेंशन है। और ये आप जो पीसीबी देख रहे हैं दोस्तों, ये एक 12 वोल्ट 50-0-50 कन्वर्टर बनाएंगे उसकी है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।